तू व्लॉग को टाइम पास बोलती है? मैं टाइम पास कर रही हूं। अरे भाई साहब व्लॉग क्या बना रहे हो? तो अभी वेकेशन जैसे हो गया है, पर भाई बोर बहुत होता है और आई डोंट नो स्कूल की याद आने लगी है। स्कूल की याद कभी आती नहीं मेरे को, पर आई डोंट नो अचानक आने लगी है। ऐसा मन करता है जाऊं मेरी क्लास में सब फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूं, बस जाके वो बेंच पे बैठूं। आई एम मिसिंग स्कूल। आई मीन देखो ना ये कितना अलग है पहली बार, मतलब मेरे लिए तो बहुत अलग है, आपके लिए भी अलग होगा आई एम श्योर अगर आप स्कूल जाते हो तो। दो मिनट, कैमरा टेढ़ा हो गया थोड़ा। हाँ ओके, पता नहीं आपके लिए स्ट्रेंज है कि नहीं, पर मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेंज है। फर्स्ट टाइम मैं स्कूल खुलने का और वेकेशन एंड होने का वेट कर रहा हूँ। स्कूल कभी बंद होती है और वेकेशन कभी चालू होता है उसका वेट करता। अभी तो भाई तीन इंच पलट दिए इस कोरोना वायरस ने, बट स्कूल ओपन होने का वेट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द मस्ती। लॉल, अब क्या पता कि ये स्कूल कभी खुलेगा। तो मित्रों आज मेरे को स्कूल की याद अचानक आने लगी, तो मेरे को भी ऐसा जाने का मन हो रहा है पर अभी तो जा नहीं सकते, तो वर्चुअली जाते हैं और ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो इसलिए आज का व्लॉग बेसिकली मी एज एन एएस लेवल स्टूडेंट, मेरा दिन मेरे स्कूल में कैसा बीतता है इसके बारे में आज का व्लॉग है। एंड बाय द वे, कोई कुछ कहने के पहले ये पहले शूट किया था ऐसे ही रैंडमली, एक बार मैं कैमरा लेके गया था स्कूल में और शूट कर लिया रैंडमली। अभी काम आ रहा है, अभी नहीं शूट करूंगा, अभी तो स्कूल खुला ही नहीं है। जस्ट टू लेट पीपल नो, बोलना पड़ता है यार, बोलना पड़ता है। तो आइए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको मेरा स्कूल का दिन कैसा बीतता है। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द डे। 7 AM का स्कूल का रिपोर्टिंग टाइम रहता है और मैं 6 बजे उठता हूँ, मतलब उठना पड़ता ही है लेट ना, इसलिए वैसे वो 6 का कभी 6:15 भी हो जाता है। आई मीन इतना नींद आता है ना, उठने को नहीं होता, आप खुलता ही नहीं सुबह। आई नो दोज़ हू आर गोइंग टू मॉर्निंग स्कूल्स राइट नाउ, अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स, या फिर जो अर्ली मॉर्निंग स्कूल जा चुके हैं दे कैन डेफिनेटली रिलेट दिस। यार नींद भी ऐसे पकड़ के रखती है ना, बोलती है नहीं मैं जाऊंगी नहीं मैं जाऊंगी नहीं, तो मुझे तो मेरी माँ उठाती है, मार मार के, एक्चुअली मारती नहीं पर वही उठाती है, मैं खुद तो उठ नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, तो कैसे वैसे 6 बजे उठना पड़ता है। तो 6:10, 6:15 तक मैं उठता हूँ बेड से, उसके बाद ब्रश और उसके बाद नहाना होता है। आफ्टर नहाना आई एम ऑल रेडी, बस कपड़े पहनना होता है, अभी वो नहीं दिखाने वाला आपको, डोंट वरी। और उसके बाद मेरा नाश्ता होता है और नाश्ता भी एकदम नींद में होता है, मैं नींद में रहता है वैसे कर लेता हूँ। नीचे उतर जाता हूँ, गाड़ी आ जाती है पिकअप करने, गाड़ी में बैठता हूँ, एसी लगाता हूँ और जैसे एसी लगाता हूँ नींद को वापस इनविटेशन दे ही देता हूँ मैं और सो जाता हूँ। मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग में बढ़िया, ये जो क्लिप है ना उसमें तो मैं नहीं सोता, एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं सोया नहीं हूँ गाड़ी में स्कूल जाते वक्त सुबह सुबह, बिकॉज यू नो व्हाई, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था और व्लॉग रिकॉर्ड करना था। सो योर बॉय वाज एनर्जेटिक व्हाइल रिकॉर्डिंग अ व्लॉग यू नो, तो इसलिए नींद नहीं आया। Wait a second. Stop. Pause the video. Okay, I want to tell you something. I miss these roads. I miss the traffic. Nostalgia. याद आ रही यार, कभी वापस ऐसा ट्रैफिक में मैं जाऊंगा। आजकल तो रोड पे गाड़ी बाइक कुछ दिखने को नहीं मिलता, तो ये जो वीडियो मैंने शॉर्ट किया था उसके वजह से मेरे को याद आया यार ऐसा ट्रैफिक होता था, कभी देखने मिलेगा वापस ऐसा एक्टिव रोड। चलो अभी रिज्यूम करो। So again, as usual, थोड़ा लेट पहुंचा मैं स्कूल, बट anyways पहुंचा ना कोई बड़ी बात। So as I told you, हम लोग के स्कूल का रिपोर्टिंग टाइम 7 AM है और अगर आप 7 बजे से 1 मिनट भी लेट हुए ना तो आपको लेट मार्क मिल जाता है। और अभी मेरी तो थोड़ी फटी पड़ी थी, मैं 7:04 को पहुंचा, मैं सोच रहा था यार अभी लेट मार्क ही मिलेगा, ऐसा थोड़ा नर्वस था, बट गेस व्हाट, मेरे को लेट मार्क नहीं मिला। आई गॉट लकी दैट डे।
बट एनीवे स्कूल पहुंचते पहुंचते आई गेस फर्स्ट 3 पीरियड्स इको और बिजनेस था हम लोग को। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट बाय द वे। दैट्स व्हाई जाते जाते एकदम स्कूल के अंदर घुसते मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे लेक्चर्स थे, लेक्चर्स के बीच में ऑफकोर्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो 3 लेक्चर होने के बाद कुछ 10 या 11 बजे थे, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट 10 बजे आज के दिन हम लोग का एक प्रोजेक्ट वर्क था। तो वो एक एक्टिविटी हम लोग को कम्प्लीट करना था, तो हम लोग सब एक साथ बैठे थे और वो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे। एकेडमिक से रिलेटेड नहीं था और ऑफकोर्स मस्ती मजा तो होना ही है, अब देख लो। अभी हम सब लोग तो अकेले ही प्रोजेक्ट कर रहे थे, अकेले मतलब कोई टीचर वीचर नहीं था क्लास में, तो ऑफकोर्स थोड़ा आवाज़ तो होएगा, मस्ती होएगी, चिल्लम चिल्लट होएगा। तो सब हम मस्ती भी कर रहे थे और अपना अपना प्रोजेक्ट का काम भी कर रहे थे। उसने भी एक टीचर है, वो टीचर ने हम सब लोग को बोला प्लीज मूव टू द डांस रूम। तो एक मीत नाम का लड़का है, उसने देखो कैसे फनी टोन में मिस को जवाब दिया। आप देखो टीचर भड़क गए बाद में। कैसे बोला वो उनकी, मतलब वो बीबी की वाइन में उसकी मम्मी बोलती है ना बीबी की, वैसे कुछ टोन में बोला वो उनकी। कितना फनी था, मिस भी बाद में चिल्लाए आपने सुना ही होगा हु इज दिस, क्या बोला, मेरे को तो बहुत हंसी आई। और जब भी वो फर्स्ट चीज भी होती ना, टीचर आती है क्लास में, टीचर पूछती है एक्सक्यूज मी, तो ये बोलते है क्या है, वो स्टाइल मूवी है ना उसमें गाना एक्सक्यूज मी क्या है, तो कुछ वैसा लग रहा था एक्सक्यूज मी क्या रे। और वापिस यही बंदे ने क्या किया, ये मीत ने सब लोग प्रोजेक्ट करे थे, इसको बहुत भूख लगा था, इसको नीचे जाना था, इसको प्रोजेक्ट नहीं करना था, तो ये लाइट ही बंद कर दिया। दिस माइट बी रिलेटेबल, आई मीन आप सबको याद आया होगा कि अगर आप पहले स्कूल में जाते थे तो आपके क्लास में भी एकदम कोई तो शरारती बच्चा हुआ करता था, या फिर वो आप खुद भी रहेंगे और दोस्त पीपल जो अभी भी स्कूल में जाते हैं आपके क्लास में भी कोई शरारती होगा या फिर आप ही शरारती होगे, अगर आप हो तो कमेंट करो नीचे। तो मेरे स्कूल में तो वो मीत है, यही कहना था। सो हाफ प्रोजेक्ट वॉज डन, अभी भी बाकी था प्रोजेक्ट, बट हम लोग का प्रोजेक्ट टाइम ओवर था एंड नाउ इट वॉज टाइम फॉर अकाउंटिंग लेक्चर। तो 2 बैक टू बैक अकाउंटिंग लेक्चर्स थे, तो अभी सब लोग पढ़ रहे थे तो भी डायरेक्ट मिलते अकाउंटिंग लेक्चर के बाद, ये इंटरवल बोल सकते हैं स्कूल का इंटरवल। ऑलराइट इट्स 11:26 नाउ, थोड़ा बाहर आया मैं क्योंकि उधर बहुत आवाज है। स्कूल इज गेटिंग ओवर इन 1 आवर नाउ, एक ही घंटा बाकी है। ऑलराइट अभी कैप पहन के थोड़ा पसीना आ रहा है पर अच्छा दिखता है कैप मेरे पे, ऐसा मैं सोचता हूं। तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैप अच्छा दिखता है कि नहीं आपके भाई पे। बड़े एनीवेज की तरफ हम लोग वी वर ऑन लेक्चर्स, तो लेक्चर्स अभी खत्म हो गए थे, इट वाज ब्रेक टाइम और हर स्कूल के ब्रेक टाइम में तो पागलपंती जरूरी है। इफ यू अग्री हिट दैट लाइक बटन, क्रेजीनेस पागलपंती जरूरी है और स्कूल लाइफ में सबके साथ होता है। सो आपको कुछ क्रेजी मोमेंट्स दिखा देता हूं जो वो दिन पे हुए, थोड़े पागल टाइप मोमेंट्स है। और यही मेरा भाई है। लोगन वर्सेस केस है, सिद्धार्थ, ओ सिद्धार्थ मिल रहा, ओ ओ ओ अरे 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 गया गया गया, ओ शिट ग्रुप बना रहा है एंड योर विनर इज अबे नहीं वो कैसा वाला मोमेंट। हां हां ए मुकुंद 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 अबे दो विनर फ्रॉम नाना सुपारा सस्ता खाली सस्ता केस है 56-55 and the winner was from the United Kingdom. KSI. अरे तू मार जोक मारो वो बोला जोक मार मेरे दोस्तों मारा
नहीं वो बोला जोक मार, तो मेरा जोक मारा ये बोला जोक मार, तो मैंने मार दिया इसको। हम सबसे बुरा जोक मारे, क्या किया तू? सबसे बुरा जोक मारा, क्या किया तू? सबसे बुरा जोक मारा। कैमरा पकड़, अभी फाइट होगा, अभी फाइट होगा। क्रिश बिल्डिंग पे ये टाइम पास दिख रहा है तेरे को? तू व्लॉग को टाइम पास बोलती है? लॉकर ऐसा खुलता है रखने के बराबर ना, बंद कर देने का फिर। एंड गाइस नाउ वी हैव अ डांस प्रैक्टिस, सो डांस प्रैक्टिस करके डायरेक्ट घर पे ही जाएंगे। इट्स 11:40 राइट नाउ, इट्स 12:46, आवर डांस प्रैक्टिस इज आल्सो ओवर। अभी सब रेडी है घर पे जाने को, स्कूल इज ओवर। 12:46 तक स्कूल रहता है, बट मैं 1:30 2 बजे तक मैं घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि जाते वक्त भी सब लोग टाइम पास करके जाते हैं। आज का दिन कैसा था तेरा बोल? हां स्कूल में कैसा था तेरा? अरे बहुत ऐसा फालतू था। और जैसे ही 12:46 होता है, सब लोग उठ के अपना बैग लेके वो लिफ्ट के इधर टूट पड़ते, और इतने लोग जमा हो जाते ना वो लिफ्ट के इधर, धक्का मुक्की करते। क्या बोलूं आपको, आई मीन सबको लिफ्ट से जाना है, कोई स्टेयर नहीं है उसका। अरे भाई साहब व्लॉग क्या बना रहे हो? और अंदर भी जाते ना, इतने लोग रहते ना लिफ्ट के अंदर, ओह माय गॉड, सब लोग इससे भरे रहते। अगर हम लोग के स्कूल में आप 12:46 PM को लिफ्ट के अंदर गए ना, देन यू आर अ लेजेंड माय फ्रेंड, देन यू आर अ लेजेंड। मजाक मस्ती में ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। तो या कुछ ऐसा बीतता है मेरा दिन स्कूल में विद माय वंडरफुल फ्रेंड। अब ऑफ कोर्स आपको एक्चुअली पूरा दिन नहीं दिखा पाऊंगा, वरना व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला, लेक्चर्स के बीच में मैं रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता, और वैसे भी लेक्चर्स के वक्त आप क्या देखोगे, आप बोर हो जाओगे बेसिकली। सो आई शोड यू ऑल द फन थिंग्स दैट आई डू इन स्कूल, और प्रोबेबली आपने भी की होगी या फिर आप करते आए होंगे अभी स्कूल में। सो आई होप जस्ट एंटरटेन यू ऑल। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू गाइस, क्योंकि मेरे ऑडियंस में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी भी स्कूल जा रहे हैं, तो यू नो उनको भी कभी कभी बोर होता होगा, और ऐसा सेम ही लगता होगा कि स्कूल कभी खुल रहा है शायद। That's why I'm sharing. और you know, कुछ लोग का स्कूल तो खत्म ही हो गया होगा, तो उनकी यादें भी थोड़ी चेरिश हो जाएंगी। So guys, that's it for the vlog. If you have enjoyed the vlog, make sure you hit that like button, क्योंकि हर वक्त जैसा मैं बोलना चाहूंगा, if you hit that like button, YouTube pushes this video to new people's home page. तो अपनी फैमिली ग्रो हो जाएगी और अपने चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। क्या होता है, एक लाइक बटन दबाने दबा दो बिंदास। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी चीजें बोली कॉमेंट करने को, सो कॉमेंट करना भूलना मत, या फिर आप कुछ भी कॉमेंट कर सकते हो, आई एम टोटली फाइन विद दैट। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, उनको भी याद आ जाएगी स्कूल की। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर हिट दैट subscribe button, because I keep on uploading lit vlogs like this. I'll definitely check you in my next vlog. Bye. Alright guys, मैं tutorial बता रहा हूँ chart paper कैसा बनाते हैं। पहले नहीं, पहले आप एक normal paper को लो, ऐसे कौन से भी normal paper चलेगा, और उस पे chart मसाला डालो। Chart paper, अरे वो ही बोलो।